कानपुर के बजरिया थाने में के अंतर्गत रामबाग चौराहे पे कल शाम इंस्पेक्टर बजरिया द्वारा चेकिंग के दौरान दो अपराधियों को 1 करोड़ चरस के साथ पकड़ा। दोनों अपराधियों में से एक अपराधी की निशानदेही पर एक इसरार नामक अपराधी भी पकड़ा गया। चौथा अपराधी जो मुख्य अपराधी है वो फरार हो गया। फरार अपराधी के घर पे छापा मारने पे मोबाइल, पैसे, स्मैक, चरस तथा अन्य नशीले पदार्थें बरामद हुई। बहुत दिन से ये संज्ञान में आ रहा था कि इस तरह के नशे का कारोबार जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में है और जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेजेस में, इस समय स्कूल कॉलेज तो नहीं खुले हैं, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं खुले हैं, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं उनको इस तरह के मादक पदार्थ इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं। इसी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी और कल एक सूचना पे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद 4 लोग गिरफ्तार हुए। उनसे जब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की गई तो एक इनका सामान रखने की जगह का पता चला जहाँ से ये पूरा कारोबार जो संचालित होता था, सामान विभिन्न जगहों से खरीद के वहाँ पे लाया जाता था। इसमें तमाम, चाहे वेस्ट बंगाल कहें या उड़ीसा कहें और प्लस अलग अलग राज्यों से ये लोग सामान लाते थे और ला के वहाँ पे बड़े पैमाने पे स्टोर करके आगे छोटी छोटी मात्रा में उसको शहर के विभिन्न इलाकों में या हमारे आसपास के जनपदों के विभिन्न इलाकों में ये बेचा करते थे। 12 लाख रुपए कैश भी पकड़ा गया, बरामद हुआ घर से। मुलजिम के परिवारजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा गलत तरीके से हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और काफ़ी मात्रा में हमारा पैसा भी ले गए। मेरे घर में पुलिस 2 बजे रात में गेट फांद के अंदर चली आई और आके खटखट खटखट कर रही है। तो हम लोग, मेरी बुआ ने पूछा कौन, तो कहते हैं हम पुलिस वाले हैं। खोला हमने कहा सर बताइए, कहते कुछ नहीं, अंदर घुस गए, सब गद्दा अद्दा पलट दिया और लॉकर लगा के तोड़ दिया और पीछे का अलमारी तोड़ दी, ऊपर पलंग तोड़ डाला इन लोग ने। और कहते हैं कि क्या नाम है तुम्हारे भाइयों को हम फिर से बदमाश बनाएंगे और तुम्हारे भाइयों को हम गोली मारेंगे। मुझे सरकार से ये निवेदन है, मेरे पिताजी भी 4 दिन हुए खत्म हुए और ये निवेदन है हम लोग के संग इस तरह ना किया जाए। पुलिस ने बताया 12 लाख रुपए, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि 25 लाख रुपए से ज्यादा नगद ले गई है पुलिस और 4 मोबाइल नहीं 9 मोबाइल ले गई है। एक को पैसा नहीं छोड़ा, मेरा सारा पैसा ले गए, सब कुछ ले गए, एक एक कागज बटोर ले गए, ATM ले गए। मुझे बस मुझे इंसाफ दो, इंसाफ, 4-4 मोबाइल मेरे ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे घर में उन लोग ने और गाली गलौज और ऊपर से हमको दे रहे थे। अब सवाल इस बात का है, अपराधी के घर के लोग जो कह रहे हैं या पुलिस जो अपनी बात कह रही है, दोनों में से कौन सी बात सच है? ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा, हम प्रयास करते रहेंगे। निश्चित तौर पे जब इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं, कैश बरामद हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि यह धंधा आज का चल रहा था, इसको कई महीनों से चल रहे हैं, यही लिप्त 6-7 महीने से कह रहे हैं अपने इंटरोगेशन में। तो और भी पहले से ये वहाँ पे एक जगह को, एक बिल्डिंग को सुरक्षित करके उसमें ये धंधा चल रहा था, ये काफ़ी दिन से वहाँ पे चल रहा है और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। बताओ, रात में ताला तोड़ के घुसेंगे किसी के घर में, ऐसा किया जाता है? ऐसा ये रूल कहाँ से, योगी जी ने ये रूल कहाँ से डाल दिया कि रात में ताला तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, घर में घुस जाओ? ये योगी जी ने कहाँ से रूल बना दिया? ये तो हम पहली बार नया रूल सुन रहे हैं। घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़ी लड़कियाँ, हम और 4 बच्चे लेके घर में पड़े हैं और तुम ऐसे कैसे मेरे घर में घुस गए ताला तोड़ के? ये तो जब चौथा अपराधी जब पकड़ा जाएगा जिसके घर पे छापा मारकर चरस, गांजा और बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं, तभी साबित हो पाएगा। कानपुर से जिशान खान के साथ महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।